फिरोजाबाद आगामी लोकसभा चुनाव को दृष्टिगत वाहन चेकिंग के दौरान थाना उत्तर पुलिस और एसओजी टीम द्वारा 802 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब जिसकी अनुमानित कीमत करीब 72 लाख रुपए एक कैंटर सहित बरामद की शराब के फर्जी बिलविल्टी बनाकर ले जाई जा रही थी। शराब पुलिस ने बड़ा जखीरा पकड़ा, एक आरोपी को भी पुलिस ने किया गिरफ्तार। अंतर्राज्यीय शराब तस्करी से जुड़े हैं इनके तार। देखिए, लोकसभा चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए हमारी चेकिंग लगातार चल रही थी। उसी क्रम में एसओजी टीम तथा उत्तर पुलिस द्वारा कल रात्रि में चेकिंग के दौरान नवाब किराए के पास एक कैंटर को रोका गया। जब तो वो उसके बाद उसमें चेकिंग कराई गई तो कुल उसमें 802 पेटी शराब पाई गई और ये शराब अंग्रेजी शराब थी और ये चंडीगढ़ से ले जाई जा रही थी और बिहार इसे जाना था। खास बात इसमें यह थी कि इसका जो मालिक है जितेंद्र कुमार सैनी और ड्राइवर था बलवान सिंह को जितेंद्र कुमार ने एक स्मार्टफोन दिया था और उसी स्मार्टफोन पर व्हाट्सएप कमांड देता था कि आपको किस रूट से जाना है, कहां जाना है और माल को कहां डिलीवर करना है। इसमें एक फोर्जरी भी की गई थी कि इसकी जो बिल्टी बनवाई गई थी वो स्पेयर पार्ट्स की थी और अहमदाबाद की बनवाई गई थी। इस तरह से इसमें शराब की जो धाराएं लगी हैं उसके अतिरिक्त इसमें फोर्जरी की धाराएं भी लगाई गई हैं। इस अंतर्राज्यीय शराब का जो गिरोह है उसका पर्दाफाश किया गया है। निश्चित रूप से ये जो एसओजी टीम है उत्तर पुलिस, इनका बहुत अच्छा कार्य है, इसके लिए इन्हें पुरस्कृत भी किया जाएगा। इसकी कुल कीमत यूपी में 72 लाख बताई जा रही है और बिहार में 1,80,00,000 कीमत बताई जा रही है। इसमें अन्य जो भी इसमें संलिप्त होंगे उनको भी हम लोग प्रकाश में लाकर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई कराएंगे।